तो दोस्तों आज से टाटा आईपीएल 2022 का मैच शुरू होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि माई 11 सर्कल में आपको रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको टीम कैसे बनाना है, और फर्स्ट बार मेरे लिंक से आप यहाँ से अगर टीम बनाते हैं यानी इसमें रजिस्टर करके टीम बनाते हैं तो आपको मिनिमम 1 रुपये में आपको यहाँ से टीम कैसे बनाना है और यहाँ से लाखों रुपये कैसे आपको अर्निंग करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया हूँ। वीडियो को स्टेप बाई स्टेप आप देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 रुपये का आपको बोनस मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो इस पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों OTP को अपने मोबाइल नंबर को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर को OTP आता है। देख सकते हैं वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपके सामने यही इसका इंटरफेस है। यहाँ पर बहुत सारे मैच आपके सामने दिख जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई का भी मैच है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वैलेट दिखा देता हूँ कि मेरे वैलेट में भी कितना रुपया है, और अभी मैं आपको पैसे भी एड करके दिखाऊँगा और यहाँ से कुछ पैसे जीत के भी दिखाऊँगा। कैसे जीतना है पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा भी पैसा 0-0 है, यानी सब जगह मेरा 0 है। पैसा ऐड करके दिखाऊंगा कि ऐड कैसे करना है और यहाँ से आप पैसे को जीत कैसे पाएंगे। तो दोस्तों इसमें टीम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आपको पैसे को ऐड करना होगा। पैसे ऐड करने के देखते आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो यहाँ पर दोस्तों प्रोमो कोड यूज करके आप यहाँ से एक्स्ट्रा बोनस पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं 100 रुपये ऐड करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर यहाँ पर 100 रुपये ऐड करते हैं तो आपके यहाँ पर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 200 रुपये करते हैं तो आपको 150 रुपये आपको बोनस मिल जाता है। ऐसे ही तो सबसे पहले मैं आपको 100 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ कि मुझको यहाँ पर 50 रुपये का बोनस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर 100 रुपये टाइप करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको किस माध्यम से पेमेंट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करना है फ़ोनपे के माध्यम से। देख सकते हैं यहाँ से आपको फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से सिंपल से आपको क्या करना है कि फ़ोनपे के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही फोन पे के ऑप्शन पे क्लिक करके 100 रुपये क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ये रिडायरेक्ट कर देता है आपका फ़ोनपे के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि आ गया है और यहीं पर दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ से कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेरा यहाँ से शो नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेमेंट हो गया, 100 रुपये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डन करके आपको क्या करना है कि बैक आ जाना है उसी एप्लीकेशन में। तो यहीं से मैं बैक आ गया हूँ देख सकते हैं यहाँ से। तो फिर से यहाँ से बैक एक स्टेप और आ जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 100 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड हो गया और 50 रुपये बोनस भी मिल गया। तो यहाँ से आपको IM18+ पे एस करके आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर देना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिन कोड फिल करके यहाँ से क्या करता हूँ कि कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ से कंफर्म करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने ऐसा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बैलेंस में जाकर दिखा रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल बैलेंस में 100 रुपये और यहाँ पे बोनस में मुझको 50 रुपये बोनस भी मिल गया। चलिए आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें आपको रेफर कैसे करना है। तो जो यहाँ पर देखते हैं बीच वाले आपको मिल जाता है आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन सेकेंड वाले पे। यहाँ पे क्लिक कर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 551 रुपये आप अर्न कर सकते हैं एक रेफर पे। किसी भी अपने दोस्त को रेफर करते हैं वो सक्सेसफुल अकाउंट बना लेता है और यहाँ पे फर्स्ट मैच वो लगाता है तो आपको यहाँ से 551 रुपये इजीली आपके अकाउंट में एड हो जाता है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। रेफर करने के लिए आप यहाँ से फेसबुक देख सकते हैं, बहुत सारे अपने ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे कि लिंक भी कॉपी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी यहाँ पे किसी भी अपने व्हाट्सएप पर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और 551 रुपये आपको इजीली एक शेयर पर आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि पैसे आपको कैसे विड्रॉल करना है। तो यहाँ से विड्रॉल सेक्शन में जाकर आप पैसे के विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अकाउंट को ऐड करना होगा। जो भी आपका अकाउंट हो UPI ID भी ऐड कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दे दिया है तो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट करके आप यहाँ से अपने अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अकाउंट ऐड करने के बाद चलिए आपको बता दें इसमें टीम कैसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से कल यानी आज यानी मैच है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन्नई और कोलकाता का मैच होने वाला है। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा
तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मात्र 1 रुपये में 1.5 करोड़ का टीम लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर जीतने का आपको मौका मिल सकता है। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन होते हैं तो फर्स्ट अगर टीम बनाते हैं तो 1 रुपये में आप यहाँ से इजिली टीम बना सकते हैं। तो टीम बनाने के दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जितने रुपये का आपको टीम बनाना है, जैसे 1 रुपये का मुझको लगाना है तो 1 रुपये पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है और दोनों टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपर, उसके बाद बैटमैन, उसके बाद ऑलराउंडर और यहाँ से बॉलर। आपको 11 टीम को सेलेक्ट करना है, यानी 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है। और दोस्तों आपके पास यहाँ से 100 पॉइंट है और सभी खिलाड़ियों के आगे सामने उनका पॉइंट आपको मिल जाते हैं कि ये खिलाड़ी इतने पॉइंट का आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको विकेट कीपर में तो एक ही होता है तो आप यहाँ से 1 या 2 विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने क्या करना है कि विकेट कीपर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैटमैन आता है, तो यहाँ से दोस्तों आप 3 से 4 यानी 5 तक यहाँ से देख सकते हैं दे दिया, 1 से 6 तक आप बैटमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 करते हैं या 3 करते हैं या 4 करते हैं। तो आप अपने पॉइंट के हिसाब से यहाँ से किसी भी बैटमैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि ये खिलाड़ी आज खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कि रन बनाएंगे कि नहीं बनाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से बैटमैन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाता है ऑलराउंडर का। तो यहाँ से ऑलराउंडर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 1 से 6 ऑलराउंडर। तो उसके हिसाब से भी आपको सेलेक्ट करना है कि कितने बैटमैन लिए हैं, कितने ऑलराउंडर लिए हैं और कितने विकेट कीपर लिए हैं। मात्र सबको 11 को सेलेक्ट ही करना है। तो यहाँ से ऑलराउंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में आ जाता है बॉलर का ऑप्शन। तो जितने खिलाड़ी बचते हैं देख सकते हैं यहाँ से 3 खिलाड़ी बचे हैं मेरे बॉलर में सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से 3 खिलाड़ी को किसी भी को अपने पॉइंट के हिसाब से यहाँ से बॉलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी बॉलर बचे थे उनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से जो भी अच्छा खेलेगा मैं अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सेव टीम पर आपको क्लिक कर देना होगा। उससे पहले तो यहाँ से एड सबटाइटल लिखा है, उस पर आपको क्लिक करके आपको एड सबटाइटल को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, एड सबटाइटल आपको बना लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेव एड सबटाइटल क्लिक करके आपको यहाँ से टीम को सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टीम को ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझको एक्स्ट्रा 4 रुपये, मुझको 4 रुपये 5 पैसे मैं यहाँ से जीत लिया हूँ। यानी फर्स्ट पॉइंट 1 रुपये का लगाया और यहाँ पर 4 रुपये कुछ पैसा यहाँ से मैं जीत लिया। तो आपको ऐसे फर्स्ट मैच लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट मैच लगा दिया हूँ। इसको देखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैच आपको यहाँ से लग गया है। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है 1 रुपये का टीम। अब दोस्तों ये क्या हो गया, 49 रुपये का हो गया है। मात्र फर्स्ट मैच आप यहाँ से 1 रुपये में लगा सकते हैं। आपको देखने के लिए कि आपको एडिट कैसे करेंगे, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे आपको चेन्नई बेस कोलकाता पर, तो आपको यहाँ से आ जाता है और यहाँ से एडिट का ऑप्शन दे दिया, आप एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से आपको एडिट करने के लिए इस पर क्लिक कर देना होगा और जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है उसको सबसे पहले जो सेलेक्ट किए थे उसको कैंसिल करके यहाँ से आप सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। मुझको एडिट नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ से देख सकते हैं मैं अपने बैलेंस पर जाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 100 रुपया था, अभी 103 रुपया 5 पैसा हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बोनस में यानी विनिंग अमाउंट में उसको 4 रुपये 5 पैसा मैंने यहाँ पे जीत लिया है, मात्र एक सिंगल से मैच लगा के। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।